तो अडानी की कंपनी ने गौरव बम बनाया है जो कि हवा में तैरकर दुश्मनों तक पहुंचेगा। डीआरडीओ ने बनाया था इस ग्लाइड बम का डिजाइन। सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट में ये तैनात होता है। भारतीय वायुसेना को एक ऐसे स्मार्ट बम की जरूरत थी जो खुद नेविगेट और ग्लाइड करते हुए दुश्मन के टारगेट को बर्बाद कर दे। इस काम में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की ने मदद की। उसे वैज्ञानिकों ने दो तरह के बम को डिजाइन किया। डिजाइन के बाद इस बम को बनाने की जिम्मेदारी गौतम अडानी की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने ली। उसने दोनों बमों का निर्माण किया। पहले विंग के जरिए ग्लाइड करने वाला गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम बन गया है। दूसरा है बिना विंग वाला गौतम। ये दोनों की प्रेशनिक गाइड हथियार है, तो इससे डिफेंस सिस्टम और भी ज्यादा मजबूत होगा। गौरव की रेंज 100 किलोमीटर ग्लाइड करने की है, जबकि गौतम की बिना विंग के 30 किलोमीटर ग्लाइड करने की। और अगर देखा जाए तो दोनों ही बमों में इंट्रियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है जो GPS और नाविक सैटेलाइट ग्लाइड सिस्टम की मदद से टारगेट तक पहुंचता है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।